आप लोग घर पे मस्त होंगे और भले चंगे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 3:30 और भाई मैं जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट काम से। और उस इंपोर्टेंट काम से पहले एक और इंपोर्टेंट बात है जो आपको बतानी है। तो आज है हमारी राधा अष्टमी और आप सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इंपोर्टेंट काम जो था वो है, आज मैं जा रहा हूं भाई अपनी स्कूटी सही कराने के लिए, उसमें ब्रेक सेल्फ वगैरह सही कराने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरी स्कूटी की हालत जो है बहुत ज्यादा बेहाल है, आप खुद देख लो। स्कूटी की हालत तो देख ली होगी और आपको गणेश जी से ही मिला देता हूँ, जय हो। और मेरे साथ जा रहा है मेरा एक दोस्त अभिषेक, जिसको स्कूटी के टूल्स वगैरह की पता है कि किसके क्या रेट है। तो मैं उसमें डलवाऊंगा सारा का सारा सामान और हमारा बजट है भाई 1000 रुपए, घर से मेरे को इतने ही मिले हैं। हमको स्टार्ट करने से पहले इसे स्टार्ट करना है, इसको ऐसे उठा के और ये लगी एक और टिक मारनी पड़ती है। अभी एक बार में स्टार्ट हो जाएगी, हो गई ना, देखो मैंने बोला। आप सबसे पहले उठाता हूँ अपने दोस्त को, बदमाशी करते हुए हमारे आपसे बाइक की एंट्री हो चुकी है। कहाँ पे आना है फिर सही कराने के लिए बता, हाय वाय कर दो, ब्लॉग बनना। और यार ये रोड भी हमारी कुछ सालों पहले ही बनी है और अच्छी रोड बन गई काफी। हमारी स्कूटी के ब्रेक निकाले जा रहे हैं और नए ब्रेक डाले जाएंगे। अब ब्रेक तो डाल चुके हैं, इसमें से निकाला था तो डाल दिया। अब जो है अब इसका सेल्फ वगैरह और चेक कराना है, ये सेल्फ वो चेक कराना है और जाना होगा। अब कहाँ जा रहे हैं? मेरी एक्टिवा का कवर ही निकाल लिया गद्दू में करने के बाद कैसी लग रही है? अब गद्दी जो है मस्त तरीके से लग गई है भाई, स्कूटी यार बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। अब ब्रेक हो गए, गद्दी हो गई, अब सेल्फ करवाने जा रहा हूँ। अब वो ये बताएगा कहाँ पे आना है क्योंकि आज मार्केट बंद है, यहाँ पे टोटली काम जो है स्कूटी वगैरह सही होती है। आज ये एक ही दुकान खुल रही है बस, इस चक्कर में मैंने खाली गद्दी डलवा ली यहाँ पर। और गद्दी भी मेरे को डली है ये 200 की, वैसे तो 250 की थी पर बारिन करके हमने 200 करा ली। हॉर्न भी सही हो गया, अब इसकी बैटरी चेक करा रहे हैं क्योंकि इसकी बैटरी में दिक्कत है, इस चक्कर में ये चालू नहीं हो रही। और सामने बैटरी इसको चार्ज करा के आएंगे। चेक करा के आए हैं और बैटरी में हमारा 7 वोल्टेज आया है, बैटरी तो हमारी बेकार है। और नई बैटरी जो है ना वो डल रही है 1100 की, अब घर जाके बात करनी पड़ेगी। ब्रेक वगैरह तो सब हो गए, इसलिए इसकी सेल्फ खराब थी क्योंकि इसकी बैटरी खराब थी, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसकी सेल्फ तो सही है और इसका हॉर्न भी सही है, बस ये बैटरी में दिक्कत थी। हाँ है रही है, किक तो स्टार्ट है रही है, सेल्फ तो स्टार्ट नहीं है रही। हाँ दो बार बोल दी मैंने, क्या बोलो तो भैया? सेल्फ तो ठीक ही है, बैटरी खराब है। हाँ सेल्फ तो स्टार्ट नहीं रही क्योंकि बैटरी खराब है, तो यही बोली मैंने दो बार। घर पर भी आ चुका हूँ, अब सारे बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ रहे हैं। और वहाँ पे देखो हमारे शिरू भाई बारिश में बाहर भीग रहे थे, अब अंदर आके बैठ गए हैं। यार ये कैसे वैसे रहते ना कि ऐसे ही पालतू कुत्ता होता कोई, ऐसा लगता रोज नहाते तो ना साफ रहते हैं। मेरी दीदी से साफ है। मैंने जो बाग कपड़े पहन रखे थे वो उतार कर सुखा दिए क्योंकि भाई वो पूरे गीले हुए थे बारिश में, और अभी भी बारिश हो रही है, कहीं पे तेज हो जाती है कभी धीरे हो जाती है, इस वजह से मेरे पूरे कपड़े भीग गए। और मेरा वो दोस्त था वो तो चला गया वहीं से अपनी कोचिंग, इसलिए मैं अकेला घर पर आया था और उसकी कोचिंग वहीं पर थी, यहाँ पर मैं गद्दी डलवा रहा था उसके ठीक सामने, तो वहाँ पे अपना कोचिंग में चला गया। अब बाकी का 2-3 काम और रह गए स्कूटी में, वो कराऊंगा फिर मेरी स्कूटी एक नंबर हो जाएगी। भाई यार बैटरी की प्रॉब्लम हो रही है, बैटरी तो खुद से ख़राब हुई है, मैंने तो उसको कुछ करानी है कि हाँ, पर स्कूटी के आगे की जो वो एक्सीडेंट वगैरह से मेरी से टूटी है, और बैटरी यार मेन है, बैटरी खराब हो गई है, बैटरी नहीं डलेगी। वोल्टेज आ रहा था इस चक्कर में भैया ने बोला बैटरी भैया तुम्हें नहीं डलेगी, बैटरी भाई हमारी है 1100 की, अब थोड़ी बहुत कम भी कराएं तो लास्ट 900 हो सकता है। अब मम्मी से बात करनी पड़ेगी, 1000 रुपये का बजट था और उसमें से अभी बताऊँगा कितने रुपये हो गए, क्योंकि भैया को खोलबंदी के भी तो दिए थे, उसके गद्दी वगैरह के और ब्रेक वगैरह डलवाए थे, उनके प्राइस सबके अलग थे और खोलबंदी के उनके पैसे अलग थे। उसके बाद मेरी स्कूटी ठीक हो जाए और उसके बाद तो जो है आराम से चलाऊंगा उसको। और भाई पता नहीं मेरे को क्या है, जब भी मैं एडिटिंग करता हूँ ना तो मेरे को अंधेरे में एडिटिंग करने में अच्छा लगता है। अभी टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 6:30 और अभी हम सब कर रहे हैं गणेश जी की पूजा।
और अभी मम्मी पहले जो है पूजा की प्लेट लगा रही है और दीदी मम्मी मैं नीचे आ चुके हैं और नानी इसलिए नहीं आई क्योंकि वहां पर भाई बारिश का पानी भर चुका नानी घर के पास और मैं स्कूटी से लेके आऊंगा तो अभी डर रहता है कि नानी गिर गिर ना जाए, वो अब नहीं आ रही है। और सिम्मी को हम पूजा में शामिल कर लेते हैं पर भाई हमारी सिम्मी थोड़ी बदतमीज है, वो नीचे ही आते ना गंदा कर देती है। पूजा स्टार्ट होने वाली है, धन को आंख देख कोड़िन को काया, बाजन को पुत्र देख ने धन को माया। शिवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा, को सच्चे दरबारी की जय। कपूर गरम करुणावतारम, संसार सारम मुर्गे सदा वसंतम, बिरहाल विंदे भवम भवानी सहतम नमः। जय हो गणेश बाबा की। अभी हम कर रहे हैं एक शॉर्ट वीडियो शूट कॉमेडी की, तो मैं रेडी हो चुका हूँ। मम्मी तो औरत है इसलिए मम्मी औरत मेरे को बनाया है। पांचवी मम्मी, अगर तुम्हारा लड़का को सीन बोलो तुम लड़का कैसे बनोगी? पैंट शर्ट पहन के बाल वो कर लेंगे है ना, लड़की बनना तो आसान है, लड़का बनना मुश्किल पड़ जाओ तुम्हारे। इसके बाद हमने जो है अपनी वीडियो भी शूट कर ली है कॉमेडी की, वो कल सुबह मैं 9:30 बजे जो है यूट्यूब पर डाल दूंगा। भाई बहुत ही ज्यादा अच्छी शूट हुई है और अभी जो है बाहर हो रही है बहुत ही ज्यादा तेज बारिश दबाकर और पूरी गली में हमारे में पानी भर चुका है। और ऐसी बारिश में मम्मी ने बनाई थी भाई लौकी की सब्जी, तो लौकी की सब्जी के साथ मैं सुबह 2 रोटी खा चुका हूँ, अब मेरा मन नहीं है खाने का, तो अब मैं बना रहा हूँ ये आलू मैंने निकाल लिए हैं और बना रहा हूँ पकौड़ी। पकौड़ी खाली मैं आलू वाली बनाऊंगा, तो ये कढ़ाई भी निकाल ली है और सामने तेल भी निकाल लिया है, अब बनाते हैं। और चाय भी अपनी खोल रही है और ये देखो, इससे मैंने सुबह प्रॉमिस करा था कि अभी चाय शाम को तू बना दे रात को मैं बनाऊंगा, तो अभी मैं बना रहा हूँ अपनी चाय। शेर कह दे। आलुओं को मैं ऐसे काटूंगा और अभी डाल रहा हूँ कढ़ाई में तेल और मैं अब बेसन के पकौड़ी बना रहा हूँ। ये अपनी चाय एक तरफ खोल रही है और बाहर बारिश चल रही है और थोड़ा सा तेल डालूंगा, ज्यादा नहीं। मम्मी को बताया नहीं कि मैं पकौड़ी बना रहा हूँ और मैंने दी से भी कह दिया था। बताई यार तेरो अलग ही दिमाग चलतो, अलग ही दिमाग चलतो बॉडी बिल्डर की। अच्छा हाँ तो सही है, और मैं मम्मी को बताना नहीं है, मम्मी चिल्लाएंगी कि रोटी रखी है उन्हें खाओ, इसलिए मम्मी सिर्फ व्लॉग में देखेंगी। रोटी बनाई है कहती है मम्मी, तो ये बनाने मम्मी कहते हैं अलग अलग चीज है। दीदी भी मेरी मदद करने के लिए आ चुकी है, अब दीदी बेसन की पकौड़ी प्रॉपर तरीके से सीखेगी, मेरे को भी आती है इससे अच्छी बनानी, पर मैं भी इसको सिखा दूं थोड़ा बहुत तो सीख जाएगी तो अच्छा रहेगा इसके लिए। तो भाई इसमें मसाले वगैरह हमने डाल दिए हैं और अपनी चाय भी खोल गई है और तेल भी गर्म हो गया, फटाफट बनाते हैं। और बारिश जो है रुकने का नाम ले रही है पर कोई बात नहीं, हम तो घर में हैं और जो भाई बाहर हैं वो भी अपने घर चले आओ, नहीं तो रपट जाएगी स्कूटी वगैरह मेरी, यहाँ 2 बार रपटी है। और भाई जैसी मेरी स्कूटी रपटी ना 2 बार, मैंने तभी प्लान बना लिया कि आज मैं जाऊंगा उसके ब्रेक वगैरह डलवाने के लिए, तो ब्रेक और गद्दी डलवा लिया और अंदर रख लिया स्कूटी, मैंने खड़ी कर दिया और उतने देखी ना है। चलो कल व्लॉग में देखी डायरेक्ट। यार दीदी 1100 रुपए जरूर होते हैं यार, पूरी स्कूटी सही जाएगी बैटरी डलेगी। शोरूम में जाती ना तो 7000 जाते, ठीक है यहाँ कम में निपटवा दो तुम्हें। भाई कमेंट में लिख के ये बताओ, गलती मेरी नहीं है, बैटरी स्कूटी की हर 3 साल बाद मतलब चेंज करानी चाहिए या चार्ज करानी चाहिए? वो चार्ज वगैरह कुछ हुई नहीं है, मेरे को पता भी नहीं थी चार्ज भी होती है, मेरे को लगा स्कूटी स्टार्ट होती है तभी वो चार्ज हो जाती है। पागल कहेंगे स्कूटी की बैटरी मैंने खराब नहीं करी है, झूठ बोल रहे मारो भेज के बना जो है वो भी बन के रेडी हो चुकी है। बस यार ये पकौड़ी थोड़ी सिकने में कैजुअल तरीके से सिकी है और अपनी चाय भी बन चुकी है। और भाई कल परसों में जो है मैं अपनी किचन साफ करूंगा, पर कल तो जो है मैं अपनी वीडियो शूट करूंगा यूट्यूब की कॉमेडी बहुत सारी, क्योंकि अब भाई मेरे को अपना चैनल उठाना है और आप सपोर्ट करना पूरा और बने रहना व्लॉग में।
से पकौड़ी चाट मसाले के साथ खाई और थोड़ी सी चाय पी तो भाई बड़ा अच्छा लगा। बाहर की ठंडी ठंडी हवा आ रही है बारिश की और चाय पकौड़ी मजे आ गए। वैसे तो लोग शाम को चाय पकौड़ी बनाते हैं पर हमने रात में बनाई क्योंकि हमारी मम्मी ने जो बनाई है गोभी सॉरी लौकी की सब्जी बनाई है और लौकी की सब्जी भाई मैंने एक बार खा ली है अब नहीं खाऊंगा। और इसी के साथ करते हैं इसी ब्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग में ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा है ब्लॉग। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।